वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन दिस टॉपिक आई हैव अ थ्योरम फॉर यू रिलेटेड टू एक्सटीरियर एंगल। आई हैव एक्सप्लेन स्टडीड वीडियोज अबाउट एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इज वॉट? इन अ ट्रायंगल व्हेन यू एक्सटेंड any side of the triangle you will get a exterior and exterior angle। देखो जैसे इस ट्रायंगल में क्या किया हमने, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटीरियर एंगल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल and how will you calculate exterior angle of the triangle। Hence यहाँ पर कितने exterior angle आप draw कर सकते हो, बहुत सारे draw कर सकते हो। एक इमने draw कर दिया, जब आप इसको extend करोगे तो ये exterior angle हो जाएगा, और जब आप इसको ऐसे extend करोगे तो ये आपको exterior angle यहाँ मिल जाएगा। okay, तो sum of these exterior angles क्या होगा और हर एक exterior angle की value क्या होगी, कैसे calculate करना है, आज हम इस video में सीखेंगे। ओके, तो देखो सभी लोग, ये आपके सामने एक थ्योरम लिखा हुआ है। ये आपके सामने एक थ्योरम क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके, अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या होता है ट्रायंगल में, ये भी समझ लो। जैसे देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और BC को हमने एक्सटेंड कर दिया है अप टू D तक। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये थीटा है और ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। मान लिया हमने कि इट इज़ थीटा एंड इट इज़ बीटा। यू कैन टेक इट एज अ एंगल वन एंड एंगल टू हियर, जैसे यहाँ पे 1 2 एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। यू कैन टेक एनी वेरिएबल टू रिप्रेजेंट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको शो क्या करना है, यहाँ पे ये थ्योरम लिखा हुआ है, तो शो क्या करना, ये ट्रायंगल ABC है दिया हुआ, कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इस फिगर में देखो सभी लोग, तो ACD ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ओके, आपको शो क्या करना है, टू शो मेजर ऑफ व्हाट, एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर ऑफ A एंड मेजर ऑफ B। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे किया है, थ्रो सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके स्टूडेंट, जो देख रहे हो सी पैरेलल टू व्हाट, AB। अब आप देख रहे होगे कि AC क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया इसके और इसके लिए, और BC भी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट स्टेप एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा। क्यों एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एक्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल वन इज कॉल टू एंगल एक्स होगा, क्यों, AC से ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल है, AC पैरेलल टू C, और ये क्या है, AC ट्रांसवर्सल हो गया। सो एंगल वन इज कॉल टू एंगल एक्स हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल वन इज कॉल टू एंगल एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज कॉल टू दिस, BC ट्रांसवर्सल हो गया, इस केस में एंगल टू इज्कल टू एंगल वाई हो जाएगा। एंगल टू इज्कल टू एंगल वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्यों हमने लिखा है, बिकॉज ऑफ BA पैरेलल टू C एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो गए। अब देखो 1 इज्कल टू x, एंगल 2 इज्कल टू एंगल y, एडिंग दीज, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज्कल टू एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल y इज्कल टू
वॉट ए सी ई प्लस ई सी डी, ये क्या मिल लेके हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एंगल, एंगल ए सी डी हो जाएगा, एंगल ए सी डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। यहाँ पे देखो सभी लोग, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू ए प्लस ये। ओके सो हम लोगों ने क्या, हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल रिफर टू एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो इन दिस ट्रायंगल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कोई भी ट्रायंगल होगा उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, मेजर क्या होगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जैसे कि इसमें ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ओके स्टूडेंट, एंगल एक्स ये हो गया, ए सी डी इज इक्वल टू वॉट, वन प्लस टू। से अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, ये ट्रायंगल है कोई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए ए है, बी है, ये सी है, यहाँ पर डी, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। ओके सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ये 30 डिग्री, इट इज 30 डिग्री एंड इट इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू आपको क्या बताया था, ये प्लस ये, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ओके स्टूडेंट, नाउ थिंक डिस्कस एंड राइट, क्या कह रहा है इसमें, एक्सटीरियर एंगल कैन बी फाउंड बाई ए ट्रायंगल इन मेनी वेज, थ्री ऑफ देम आर शोन हेयर। जैसे यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है, ओके ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसमें इस तरह के ऐसे एक्सटेंड कर दिया है, तो आपको मिल गया ये। नाउ इसमें देखो, इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया है ना, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया था। ओके फर्स्ट फिगर में क्या था, इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया था, तो आप कई तरीके से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। नाउ देयर आर थ्री मोर वे ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल, ट्राई टू प्रोड्यूस दोज रफ स्केच, कर सकते हैं आप लोग। ओके आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल, इंपॉर्टेंट पॉइंट,